मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां ईवीएम ले जा रही बस में आग लग गई है। बस में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी मौजूद थे। हादसे में 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गई है। सभी कर्मचारी और ड्राइवर सुरक्षित हैं। आपको बता दें 2 ईवीएम भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंगलवार करीब रात 11 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया। गोला गांव के पास इस बस में आग लग गई। बैतूल जिलाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने इस घटना की जानकारी साझा की है। आपको बता दें निर्वाचन आयोग को घटना की रिपोर्ट भेजी जाएगी। बैतूल लोकसभा सीट पर कुल 72.65% मतदान हुआ था, लेकिन देखिए चुनाव के बाद ईवीएम मशीनें ले जा रही बस में अचानक आग लग गई, जिसमें कई ईवीएम क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 ईवीएम सुरक्षित हैं। गनीमत यह रही कि सभी कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी में तैनात थे और बस का चालक सुरक्षित हैं। 2 ईवीएम भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गोला गांव के पास देखिए किस तरीके से ये बस आग में धू धू कर जल उठी। निर्वाचन आयोग को इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट साझा की जाएगी। बैतूल जहां की ईवीएम को यहां से लेकर रवाना हुई थी ये बस, कुल 72.65% यहां मतदान हुआ था।